तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास टेंथ के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 30 अगस्त 2024 डेट के लिए है। चैप्टर 7 से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म प्री बोर्ड प्लस एनुअल एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको मैथ की प्रैक्टिस करना है तो कॉमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जितने असेसमेंट अभी तक डीओई की तरफ से आए हैं और साथ में वर्कशीट, साथ में पेपर जितने हुए हैं, मिड टर्म हो, एनुअल हो, प्री बोर्ड हो या प्रैक्टिस पेपर हो, सबके सॉल्यूशन दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। कमेंट में अलग अलग प्लेलिस्ट देखकर आप तैयारी कर सकते हो, और मिड टर्म पेपर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस असेसमेंट में इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि पेपर में ज़रूर इसमें से आएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 7, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखो और ज़्यादा तैयारी के लिए कॉमेंट को चेक कर लेना, वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओपन करके आप ऑल सब्जेक्ट मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर और साथ में लास्ट सेशन की वर्कशीट विद असेसमेंट दोनों मीडियम में देखकर तैयारी कर सकते हो पहले से। तो कर लेना, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब 4-4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी -6.5 एंड क्यू -2.3 इज आर p/3.4, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, यदि बिंदु पी -6.5 और क्यू -2.3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आर p/3.4 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर 1 देखो ध्यान से, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु आर, ठीक है ना, ध्यान रखना। निर्देशांक इसके क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया। अब ध्यान से देखो, x1, y1, x2, y2, xy, हमको पी का मान निकालना है, तो मध्य बिंदु सूत्र से एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स पर ही इसकी वैल्यू है, पी अपने आप आ जाएगा, वाई वाला फॉर्मूला लगाने का मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से हिंदी में, इंग्लिश में बाई मिड पॉइंट फार्मूला, एक्स बराबर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो मध्य बिंदु वाला, x1 + x2/2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रखो आप p/3, रख दिया, x1 आपका है -6, x2 -2/2, इसकी वैल्यू रख दी गई। आगे बढ़ो तो p/3 -6 ± -2/2, ये p/3 -±+6, 2 -8 हो जाएगा, ठीक है, 2/2 से कट करो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, -4 आया, यहाँ पर लिखा गया। अब आगे यहाँ पर आपको 1/2 लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, p का 1 से करोगे p आएगा और 3 को 4 से करोगे तो 3 × 12 माइनस का निशान लग जाएगा, -12 आंसर आ जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, -12, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना, फर्स्ट में भी राइट है। क्वेश्चन 2 देखो, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन ए सर्कल हैविंग सेंटर 2-3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 1.4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, हिंदी में ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है और बी 1.4 है, बिंदु ए के निर्देशांक हैं। सॉल्यूशन देखो, आंसर 2, ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये व्यास है ए बी, सेंटर दिया है पी मान लिया, बी का पता है, ए हमको निकालना है, तो इसके निर्देशांक मान लिया एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये x1 y1 x2 y2, ये हमारा x और ये y हो गया, समझ गए, क्लियर है। मध्य बिंदु सूत्र से फिर से इंग्लिश में बाई मिड पॉइंट फार्मूला लिख देना, x का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, वैल्यू रखो x, x पर आपका है 2, 2 रख दिया गया, x1 आपका है x प्लस x2 आपका है 1/2 लिखा गया, y के लिए y आपका -3 है लिखा गया, y1 आपका है y2 है 4, y+4/2 लिखा गया, ठीक है, वैल्यू ऊपर से रखी गई है। आगे देखो ध्यान से,
बट एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस एक का एक से होगा यही आएगा और दो दूना चार हो जाएगा, तो x बराबर ये प्लस एक इधर आएगा माइनस एक हो जाएगा, x का मान आएगा तीन, इधर भी सेम बट एक लगाओ, y प्लस चार का एक से गुणा होगा क्रॉस में इतना ही आएगा, माइनस तीन का दो से गुणा होगा तो माइनस छः आ जाएगा, तो y बराबर प्लस चार इधर आएगा माइनस चार हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 10 मिल जाएगा हमको, ठीक है, माइनस में तो एक्स वाई क्या निकला, तीन कोमा माइनस दस, जो कि ए ऑप्शन राइट है, तीन कोमा माइनस दस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगला देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट्स ए माइनस फोर कोमा वन, बी एट कोमा टू, सी सेवन कोमा फोर एंड डी पी कोमा थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यदि बिंदु ए माइनस चार एक, बी आठ कोमा दो, सी सात कोमा चार और डी पी कोमा तीन एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर थ्री, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण को मिला देंगे, ए को सी से मिला दो, डी को बी से मिला दो, ये एक दूसरे को पी बिंदु पर कट करते हैं जो कि इसका मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के और डी के दिए हैं। अब सबसे पहले हम ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, ए सी का देखो, ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू हो जाएगा, तो एक्स के लिए वाई के लिए फॉर्मूला आपको पता है, तो एक्स के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब कि माइनस चार प्लस एक्स टू है सात बटे में दो, वाई के लिए वाई वन, y1 देखो ध्यान से, y1 आपका है एक, y2 आपका है चार, तो एक प्लस चार बटे में दो, यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं। आगे देखो ध्यान से, फिर से मिड पॉइंट ऑफ BD यानी BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो BD पर अब फोकस करो, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम, इसकी वैल्यू पुट करो, x1 प्लस x2 BD के लिए, BD पर फोकस करना, x1 प्लस x2, x1 आपका है आठ, x2 आपका है p, 8 प्लस पी बटे में दो, y1 प्लस y2 इधर, y1 आपका है दो, y2 है तीन, दो प्लस तीन बटे में दो, ठीक है। अब कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पर, तो इंग्लिश में लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, हिंदी में तुलना करने पर, देखो ध्यान से, ये x वाली टर्म इसके इक्वल होगी, y वाली इसके इक्वल होगी, तो हमें केवल किसका मान निकालना है, p का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, p x से ही आ जाएगा क्योंकि x पर ही इसकी वैल्यू है, देख रहे हो ना, ये x2 है, x से इसका मान पता चल जाएगा, y को कंपेयर करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 8 प्लस पी बटे में 2 बराबर रख देंगे माइनस 4 प्लस 7 बटे 2 के, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2 का 8 से करोगे 16 हो जाएगा, 2 को पी से करोगे 2 पी आ जाएगा, इधर माइनस 4 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 3 का 2 से गुणा करोगे क्रॉस में तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पी बराबर प्लस 16 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 पी बराबर माइनस 10, पी बराबर माइनस 10 बटे 2 माइनस 5, तो पी का मान आ जाएगा माइनस 5, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लो शॉर्ट में किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से और भी मैं समझा देता हूँ इसको, ध्यान से देखो, ये है दूसरा तरीका, ठीक है। ये सब कुछ ए बी सी डी आपने लिख लिया, विकर्ण इसके लिख लिया, तो हमें पता है ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी डी के मध्य बिंदु के, ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी डी के मध्य बिंदु के, तो एक्स वाली टर्म पर पी है, ठीक है ना, तो एक्स वाली टर्म पर पी है, तो एक्स वाली टर्म को ही हम एक दूसरे के बराबर कर लेंगे, क्योंकि कंपेयर तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, कंपेयर करना पड़ता ही है, ठीक, तो कंपेयर तो हम यहाँ भी करते हैं, एक्स को एक्स के बराबर रख कर, वाई को वाई के बराबर रख कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही रख देंगे, x वाला टर्म x के इक्वल होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे में दो, इधर भी x1 प्लस x2 बटे में दो, तो ध्यान से देखो, ये है AC के लिए, AC पर फोकस कर लो, x1 आपका माइनस 4 प्लस x2 7 बटे में दो, और इधर x1 प्लस x2 BD के लिए, BD पर फोकस करो, P है x2 और 8 है x1, तो 8 प्लस पी बटे में दो ये हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल डायरेक्ट रख दो यहीं पर, तो जैसे आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 2 बराबर 8 प्लस पी बटे में 2, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, 3 बराबर 8 पी के निकलेगा, प्लस 8 इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5 आ जाएगा पी का मान, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो, समझ गए, डायरेक्ट एक दूसरे को
कंपेयर करके बराबर रख कर, ठीक है। तो मैंने दो तरीके समझाए क्वेश्चन नंबर 3 में, जो आपको पसंद हो कर लेना, ठीक है। ये आंसर है आंसर 3, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, कहीं पर कोई डाउट है तो बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट M2, -2 एंड N-1, x इज 5 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि बिंदु M, -2 और N-1, x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4, ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, इसके निर्देशांक है 2, -2, इसके -1, x, ठीक है। M N के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। बाई डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में लिखो, दूरी सूत्र से हिंदी में लिखो, ठीक है। एम एन के लिए निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू पुट करो। अब आप एम एन आपका कितना दिया, 5 यूनिट, 5 लिख दिया, ठीक है। x2 - x1, तो x2 ध्यान से देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू x2 - 1, x1 2, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2x, y1 - 2 का होल स्क्वायर लिखा गया। आगे सॉल्व करोगे 5 इधर है, ये -3 का होल स्क्वायर, -- प्लस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ये -- प्लस x + 2 का होल स्क्वायर होगा। इधर हिंदी में लिख देना आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और इंग्लिश में ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वर्ग करने पर ये रूट इधर से फिनिश हो जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट फिनिश हो जाएगा। और इधर -3 का जब स्क्वायर करोगे तो -3 - -3 - - प्लस हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, x + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर a पर x है, b पर 2 है, तो x² + 4 + 4x मिलेगा आपको। यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दी गई है, ठीक है। आगे इसका स्क्वायर करोगे 5 का 5 * 5 = 25 मिलेगा आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पर 25 लिखा गया है। आगे देखो ध्यान से, 25 लिखा गया है, x² + 4x लिखा गया, +9 + 4 ऐड होगा तो 13 हो जाएगा, इधर से 25 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0 के इसको हम रख देंगे, ठीक है। तो x² + 4x + -12 आएगा, माइनस करने पर इन दोनों को, ठीक है ना, 13 और 25। आगे देखो ध्यान से, इसको हम गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में एक हाइट है, एक का लास्ट वाले नंबर 12 से गुणा होगा तो 12 आएगा। अब हमको दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 हो और लास्ट में निशान माइनस है, माइनस करने पर बीच का नंबर 4 आए, तो 6 को 2 करेंगे 12 और 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, ठीक है ना। सेम ही अप्लाई किया गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टार्टिंग का सेम लिखा गया, जो नंबर हमने सोचा 6 - 2, ठीक है। इसमें हम एक्स है तो एक्स, वाई होता तो वाई, जेड होता तो जेड, जो भी होता हम लगा देते हैं, एक्स के साथ लिख देंगे, 6x - 2x हो जाएगा यहाँ पर लिखा गया, लास्ट का फिर से सेम लिखा गया, ठीक है, बराबर 0 के। इन दोनों में कॉमन नंबर निकालेंगे एक्स है, और फिर x² को कॉमन नंबर से हम डिवाइड करेंगे, इसको कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर डबल टाइम है, नीचे 1 टाइम है, कट जाएगा, केवल 1 टाइम x बचेगा, यहाँ पर x लिखा गया 1 टाइम ब्रेकेट में। फिर से 6x है, इसको भी हम कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6, तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 6, ये सॉल्व हो गया। इधर देखो, यहाँ पर माइनस है तो -2 कॉमन करते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन किया, ठीक है। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो 2x है, इसको हम कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा, लिखा गया। फिर अगला 12 है, 12 को भी हम कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 0 रख देंगे, तो मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, अगर ना है समझ लो गलत है। एक बार सेम लिख लिया x प्लस से, एक बार बाहर वाला एक साथ, x - 2 बराबर 0 के, x + 6 = 0 के होगा तो प्लस से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, x - 2 = 0 के रखेंगे तो -2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब x की दो वैल्यू निकलेगी, -6 और 2, ठीक है ना, प्लस का। तो आंसर नंबर आपका 4 है, ठीक है, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। द पॉइंट्स आर इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एस इज ऑन वाई एक्सिस, एंड द पॉइंट पी 5 - 2 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट आर एस सच दैट आर पी रेशियो पी एस इक्वल टू 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट आर एंड एस। एक्स अक्ष पर बिंदु आर है, वाई अक्ष पर बिंदु एस है, और बिंदु पी 5 - 2 रेखाखंड आर एस
पर इस प्रकार स्थित है कि आरपी अनुपात पीएस बराबर है 2:5 के। बिंदु आर और एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 5। डायग्राम देखो ध्यान से, कह रहे हैं एक्स अक्ष पर बिंदु आर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्स अक्ष पर बिंदु आर है, ये आर ले लेते हैं, तो एक्स पर है तो एक्स तो होगा लेकिन वाई क्या होगा, जीरो, इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स कोमा जीरो, ठीक है। फिर कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु एस है, ये वाई अक्ष है, इस पर हमने बिंदु एस ले लिया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग निर्देशांक क्या बनेंगे, वाई पर तो कुछ वैल्यू होगी, एक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो कोमा वाई इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर कह रहा है कि बिंदु पी, ये बिंदु पी रेखा आर एस पर, ये पी बिंदु ले लिया, इस प्रकार स्थित है और इसके निर्देशांक है 5, -2, ठीक है, कि आर पी अनुपात पी एस, देखो आर पी अनुपात पी एस, आर पी अनुपात पी एस 2:5 है, ये आर पी 2 है, यहाँ से पी एस से लेके 5 है, ठीक है। तो ये हमारा देखो ध्यान से x1, y1, x2, y2, ये m1, m2 हो गया और ये हमारा xy हो गया, ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं पास पास बहुत सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, तो कोई टेंशन नहीं लेना, फिर से मैं अलग से डायग्राम बनाया हूँ, आपके समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब ये हम पूरी लाइन इधर कट करके निकाल रहे हैं, देखो आर पी एस इधर लिख देना, सेम जो सेम था वैसे लिख दिया, एक्स कोमा जीरो, जीरो कोमा वाई एस पर है और पी पर है 5, -2, ठीक है, और ये 2 है आपका, इतना 2 है, आर पी 2 है, आर पी 2 है और पी एस 5 है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर साफ साफ मान लो सेम हुई है, x1, y1, x2, y2, ये एक्स वाई, ये m1, m2 हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से समझो तो अपने आप क्वेश्चन ईजी लग जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, हिंदी में वाई सेक्शन फार्मूला, एक्स के लिए वाई के लिए अप्लाई किया गया वैल्यू आपको पता है, ऊपर लिखी है x1, y1, x, y, x2, y2, m1, m2, इधर वैल्यू रखेंगे तो एक्स पर एक्स की वैल्यू 5, फिर m1 आपका 2 है गुणे x2 आपका क्या है 0, प्लस m2 आपका है 5 और x1 आपका है x, लिखा गया नीचे m1 + m2 2 + 5, इधर भी सेम वैल्यू रखो, y पर आपको रखना है -2, लिखा गया m1 y2 आपका है 2, y2 आपका है y, 2 × y प्लस m2 y1 5 है, y1 0 है, 5 × 0 अपॉन में m1 + m2, तो m1 आपका 2 है, m2 5 है, 2 + 5 नीचे हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5, 2 को 0 करो 0 हो जाएगा, 5x और 5 + 2 = 7, 5x अपॉन में 7 आ जाएगा, y1 अपनी तरफ से यहाँ पर लगा लो, ठीक है, y1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x का 1 से होगा 5x, 7 × 5 = 35, x = 35 अपॉन में 5, ठीक है। अब इधर भी सेम, -2 लिखा गया, 2y हो जाएगा, 5 को 0 करोगे 0 आ जाएगा, 2 + 5 = 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, y1 लगाओ अपनी तरफ से, 2y का 1 करो 2y, -2 का 7 करो 14, y = -14 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो -7 आएगा, 2 × 7 = 14, ठीक है। तो कहने का मतलब r के जो निर्देशांक हैं आपने क्या माना है, ध्यान से देखो, r के निर्देशांक को माना है, x 0 था तो x का मान आ गया 35/5 और कोमा 0 आ जाएगा, और s के निर्देशांक 0, y माना गया है तो 0 तो पता है x2 का, y आपका क्या आ गया यहाँ पर -7, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अतः निर्देशांक हिंदी में 100 कोऑर्डिनेट्स, r आ जाएगा 35/5, 0 और s आ जाएगा 0, -7, ठीक है ना, r और s के निर्देशांक का पता चल गया, यही हमको निकालना था, ठीक है। तो दोनों डायग्राम बना लेना अच्छे से ताकि समझ में आए, किसी प्रकार का कहीं कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3, -2 एंड बी -3, -5। बिंदुओं ए 3, -2 और बी -3, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखो,
आंसर 6, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसके निर्देशांक क्वेश्चन में दिए हैं 3-2, इसके हैं -3-5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। सम त्रिभाजित मतलब समान तीन भागों में बांटने वाले बिंदु। तो एक बिंदु ये हो गया P, दूसरा हो गया Q, ठीक है, तीन भागों में जो बांट रहे हैं। तो एक पार्ट हो गया A से P तक, दूसरा P से Q तक, तीसरा है Q से B तक, 1, 2, 3, तीनों बराबर हैं यानी सम त्रिभाजित हैं, तो इनके बीच की दूरी समान होगी। तो अगर हम P बिंदु पर, ये P बिंदु है, अनुपात की बात करें तो A से P तक 1 है और P से लेके B तक ध्यान से देखो, P से लेके B तक 1 ये है, 1 ये, मतलब 2 है, 1:2 P बिंदु के क्या बनेंगे, अनुपात बनेंगे यानी रेशियो बनेंगे। तो ध्यान से देखो, इस पर फोकस नहीं करना है, ये इसकी वैल्यू निकाली गई है, ठीक है, जो मैंने लिख दिया है, ये X1, Y1, X2, Y2, M1, M2। अब इस पर फोकस करो, बिंदु P के लिए हिंदी में, इंग्लिश में 4 पॉइंट P, X के लिए फॉर्मूला, Y के लिए फॉर्मूला, इसकी वैल्यू रखोगे आप फटाफट। तो ध्यान से देखो, सेक्शन फार्मूला लगा दो, X के लिए, Y के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो M1 X2, M1 एक है, X2 -3 है, तो 1 × -3 प्लस M2 X1, M2 दो है आपका और X1 आपका 3 है, बटे में M1 प्लस M2 1 + 2, इधर भी सेम, इसकी वैल्यू रखना है आपको। Y के लिए M1 Y2 M1 एक है, Y2 आपका -5 है, 1 × -5 प्लस M2 Y1 M2 आपका 2 है, Y1 आपका -2 है, 2 × -2 बटे में M1 प्लस M2 1 + 2, ठीक है, वैल्यू ऊपर से रखी गई है, सॉल्व कर लो, इसको ध्यान से याद आएगा, -3 + 6 बटे में 2 × 3, इधर भी सेम, -5 - 2 × 4 बटे में 3, आगे सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा, माइनस करने पर 3/3 बराबर 1 आ जाएगा, इधर भी -+, -9/3, 3 × 3 = 9, -3 आ जाएगा, मतलब P बिंदु के निर्देशांक हमको मिल गए 1 - 3। तो यहाँ पर वही मैंने लिख दिया था, P बिंदु के निर्देशांक 1 - 3 आ गए। अब हमें किसका निकालना है, Q बिंदु का, ठीक है। अब देखो, दो तरीके से बताऊँगा Q बिंदु के लिए। पहला तरीका क्या है, अगर रेशियो की बात करोगे आप, ध्यान से देखो, अगर रेशियो की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, इसके लिए 2 बनेगा और इधर बच रहा है 1, ठीक है, तो ये आपका M1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M2, और फिर से आपको सेम, इस पर फोकस नहीं करना, X1 Y1 X2 Y2 M1 M2, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर से Q के निर्देशांक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेक्शन फार्मूला नहीं अप्लाई करना तो मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ आपको। तो केवल P से लेके V बिंदु तक देखो आप, ये सम त्रिभाजित था तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना, तो मध्य बिंदु होगा तो ये भी पता है, ये भी पता है। ध्यान से देखो, नीचे मैं इसको लिख दिया हूँ, इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखो, ठीक है, उस तरीके से भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हिंदी में लिखोगे बिंदु Q के लिए, इंग्लिश में 4 पॉइंट Q, Q बिंदु, PV का मध्य बिंदु है, PV का मध्य बिंदु है, इधर मैंने समझने के लिए फिर से बना दिया है, इंग्लिश में पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ PV, ठीक है, लिख देना। तो मध्य बिंदु का सूत्र अप्लाई करो, X = X1 + X2/2, Y = Y1 + Y2/2, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट, X1 आपका ये X1 Y1 X2 Y2 हो गया है, X1 + X2 एक, और ये +-3/2, तो ये आ जाएगा +-, 1 - 3/2, -2/2 बराबर -1 आएगा। Y के लिए Y1 + Y2, -3 + -5, इस प्रकार लिखोगे तो ये माइनस, ये माइनस माइनस, यहाँ पर लिखोगे ये -++ हो जाएगा, तो -8/2, -4 आएगा डिवाइड करने पर, मतलब Q के भी निर्देशांक आ गए -1 - 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये थोड़ा इजी तरीका हो गया, ठीक है, बाकी आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो, मैंने दोनों तरीके समझा दिए, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 6 है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 0, -1, B 2, 1 एंड C 0, 3। ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज ABC किस प्रकार का है जिसके शीर्ष A 0, -1, B 2, 1 एंड C 0, 3 हैं। सॉल्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। आंसर 7, ये हमारा ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, ठीक है, ये ABC, ये तीनों इसके शीर्ष हैं, इनके निर्देशांक क्वेश्चन में दिए हैं, लेकिन ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, हमें बताना है, तो उसके लिए इनकी भुजाओं की माप का पता होना चाहिए।
तीन बार हम दूरी सूत्र से एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी निकालेंगे, फिर पता चलेगा ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे ए बी के लिए हिंदी में 4AB, इंग्लिश में ए 0, -1, बी 2, 1 यहाँ पर लिख लिया गया है। ठीक है, ये x1, y1, x2, y2 हो गया। ठीक है, अब दूरी सूत्र लगा दो, यहाँ पर ए बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया गया दूरी सूत्र वाला, तो x2 - x1 तो ये हो जाएगा x2 2 - 0² प्लस y2 - y1 1, और ध्यान से देखो ये 1 है लिखा गया और माइनस है और ये -1 है तो -1 + 1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट +1² ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 रूट में 8 आएगा, और इसका एलसीएम निकालोगे 2 × 2 × 2 आएगा, जोड़ा बन जाएगा, एक बाहर निकलेगा, एक रूट ऐसे लग जाएगा, तो 2√2 ये यूनिट में आ जाएगी ए बी की माप। इसी प्रकार आगे देखो बी सी निकाल लेते हैं, बी ए 2, 1 और सी है 0, 3 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखो 4BC, बी सी के लिए हिंदी में 2, 1, 0, 3, फिर से x1, y1, x2, y2 दूरी सूत्र बी सी के लिए लगा दो और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो फिर से सेम आ जाएगा 2√2 बी सी। ठीक है ना, ध्यान रखना वैल्यू बार बार नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखिए साफ साफ, पुट कर लेना। ओके, अब आगे देखो फिर हम ए सी के लिए निकालेंगे, तो ए सी ए 0 - 1 है, सी क्या है 0, 3। ठीक है ना, तो 0, 1, 0, 3 यहाँ पर लिखेंगे 4AC, हिंदी में ए सी के लिए ए और सी लिखा गया, x1, y1, x2, y2 ए सी के लिए भी दूरी सूत्र यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब क्या समझ रहे हो, दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये क्या है, ध्यान से देखो ए बी बराबर बी सी के, लेकिन ए सी बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2√2 सेम है, और ये जो है तीसरी भुजा ये सेम नहीं है, ये 4 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पर लिखोगे आप, अतः इंग्लिश में सो ए बी इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी समीज समान हो, द्वि का मतलब दो, बाहुक मतलब भुजा, तो इसकी दो भुजा समान हो रही है। ठीक है ना, एक बराबर नहीं हो रही है। ठीक है, और इंग्लिश में लिखोगे इट इज़ एन आइसोसेलीस ट्राइंगल, क्लियर है, ये आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक बार शुरू से देख लो आप, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, 3 में दूसरा तरीका है ये, आंसर 4, आंसर 5, आंसर 6 और ये आंसर 7। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।